पानी आता है जैसे क्लीन करेगा, क्लीनिंग होगा, डर मत। डर लग रहा है अभी, डर खत्म हो जाएगा। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग। तो अभी फिलहाल मॉर्निंग के 9:45 हो रहे हैं एंड कल रात को ही मैंने व्लॉग तो मैंने एडिट करके अपलोड कर दिया था, तो वो 9:15 पे आ गया। बाकी अभी मैं सुबह उठकर फटाफट से गेमिंग का वीडियो, मतलब थोड़ा बहुत बचा हुआ था, रात को मैंने 50-60% एडिट कर लिया था, बट थोड़ा बहुत बचा था तो वो मैंने फटाफट से एडिट करके यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी जैसे ही एक्सपोर्ट होगा फिर इसको भी अपलोड कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं तो उठ गया था 9 बजे लगभग। ये दोनों अभी भी यहाँ पे सोने में लगे हैं। ओए हेलो, गुड मॉर्निंग। नैतिक की नींद थोड़ी बहुत खुली। गोलू इधर पे, काजल भी सोने में लगी है। मैं यहाँ पे व्लॉग देख रही होगी, व्लॉग देख रही हो ना? सुबह सुबह व्लॉग आएगा तो वही देखोगी। किट्टू अभी सो रहा है। ओए मेरे बोध, इसको चाहिए। तू भी व्लॉग देख ले, तू भी व्लॉग में आता है, खुद का चेहरा देख लिया कर व्लॉग में। ये भी इधर पे सोई हुई है। काजल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गया, अच्छा उठ गई। तो उठो, बेड पे क्या सोई हुई हो। चलो इसकी भी नींद खुली फाइनली। कैसी मस्त नींद आई, तू भी उठ जा। ओए गुड मॉर्निंग, सुबह हो गया, 10 बज गया। तो अभी फिलहाल मैं और नैतिक हम दोनों ने ब्रश कर लिया और ये अभी हमको मिला है नाश्ते में। दूध भी आ रहा है, ये भी और ये एक बिना ब्रश किए ही बैठा हुआ है। जा ब्रश कर ले, ब्रश करके आ, तेरा भी है, 3 है। किट्टू आ जाओ, खाना है? नहीं खाना, डरपोक है वो। ये इधर पे दूध भी आ गया हम लोगों का, मिक्स कर दो बॉर्नविटा कॉम्प्लेक्स। बोलू के दिन कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था? यहाँ नहीं, नीचे बैठने के लिए उसको बोलता हूँ मैं, ऊपर नहीं। हम सोचे कि यहाँ इस रूम में खा रहा था इसीलिए बोला। नहीं, नीचे बैठता है भिखारियों जैसा, इसलिए बोलता हूँ मैं। मैं सोच रही बेड सोफा छोड़कर नीचे बैठता है। तुम पीते हो बॉर्नविटा मिक्स करके? मेरा वही तो फेवरेट है, हॉर्लिक्स भी पी के। फिर भी अभी इतने पतले ही रह गए। तो अभी फिलहाल दोपहर के 2:30 बज चुके हैं एंड अभी अभी जस्ट मैं नहाया हूँ, नहाकर पूजा कर लिया मैंने। यहाँ पे अभी सबका लंच चल रहा है इधर पे। एंड ये देखो बेचारे से खुल नहीं रहा है एक बॉक्स, खा चुका है गुस्सा। ये तीनों के तीनों बासी लोग हैं, कोई भी नहीं नहाया, सब बिना नहाए जा रही है। तक अभी शैम्पू मंगवाया पापा से अपना, जा रही लेकिन बिना नहाए अभी खा रही। ये दोनों गेम खेलने में लगे, ये टाइम पास करने में। 2 बज गए लेकिन नहाया कोई नहीं। तू ब्रश किया या वो भी नहीं? कर लिया वो तो। क्या पता नैतिक ने किया है ब्रश? नहीं देखा। ये तो गेम खेल रहा था। नहीं नहीं, तू भी खेल रहा था। पापा से पूछ ले, पापा से। क्या पता तूने? अरे नैतिक तो मेरे साथ किया था ब्रश, तेरा पता नहीं। तो अभी फिलहाल शाम के 5:30 बज रहे हैं एंड अभी हम लोग जा रहे हैं क्रिकेट खेलने। मैं गोलू नैतिक सब है, कहाँ बैट बॉल ढूंढ, कहाँ है? मैं खेलूंगा नहीं। क्यों नहीं आता है खेलना? मुझे आता भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं। नहीं खेलना पड़ेगा। ये पतंग उड़ाते हैं? नहीं नहीं पतंग नहीं। अरे यार पतंग नहीं, हाँ हाँ हवा नहीं है। मैं पतंग, अबे कोई काट नहीं रहा है, मिल जाएगा ढूंढ, मिल जाएगा। अबे इसके अंदर बैट रहेगा, बॉक्स के अंदर नहीं है। इधर नहीं है बैट बॉल, उधर मेरे रूम में या तेरे रूम में कहीं। अरे नहीं है, किचन में ऊपर कहीं मैंने देखा है। हाँ मैंने भी देखा है, याद नहीं आ रहा है बस। तो अभी ढूंढते ढूंढते हमको यहाँ पे बैट मिला है, अभी उसी के पीछे उधर साइड अंदर घुसाया हुआ था। नैतिक ने ढूंढा इतनी मुश्किल से, अब बॉल नहीं मिल रहा है। जाओ बॉल ढूंढो है। चलो बेचारा कब से यहाँ पे ट्राई करने में लगा है उड़ाने का पतंग, लेकिन उड़ ही नहीं रहा इससे। मिल गया बैट, अब उड़ाकर क्या फायदा जब कोई है ही नहीं, किसकी काटेगा ये बता। खुद की उड़ाने में ऐसे मजा नहीं आता है। हवा ही नहीं है, हवा क्या, किसी साइड का हवा ही नहीं है, तो जिंदा कैसे ये बता। एयर पे जिंदा हूँ, उसको उड़ाने के लिए विंड चाहिए, विंड विंड समझा, बहती हुई हवा चाहिए पतंग उड़ाने के लिए। चलो नैतिक हम दोनों ही खेलते हैं, रुक जा रुक जा। लेफ्ट हैंड से मैं फोन पकड़ूंगा, राइट हैंड से मैं खेलूंगा, आज से मैं एक हाथ से क्रिकेट खेलूंगा सिर्फ। मुझे तो बस क्रिकेट दिख रहा है अभी फिलहाल। अभी किट्टू भी यहाँ पे ऊपर आ गया और ये बॉल के पीछे पड़ गया, ठीक हो? देखना वो कैसे पीछे पीछे आएगा ये। तुम लोग अब नहीं खेल सकते इस बॉल से, अब ये खेलेगा। जाओ किट्टू बॉलिंग करो। अभी मैं यहाँ पे क्रिकेट तो खेल नहीं सकता हूँ क्योंकि किट्टू भी आ गया, उसको भी देखना है और एक हाथ से क्रिकेट तो पॉसिबल है नहीं खेलना, तो इसलिए अभी हम लोग फुटबॉल खेलेंगे। बैट को रखो, चलो फुटबॉल शुरू हो जाओ। दो इधर बॉल, किट्टू भी खेलेगा साथ में फुटबॉल। ओए किट्टू आ जाओ इधर आओ, लो रोक लिया फिर से ये। अबे किट्टी जा फेंको। अबे जब नहीं उड़ रहा तो क्यों उड़ा रहा है, हवा है नहीं। और ये देखो ऊपर नीचे बस करने में लगा हुआ है ये। ये लो आज से घर की चाबियां तुम्हें
सौंप रही हूँ। थैंक यू। घर का अच्छे से ख्याल रखना। थैंक यू। मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। सारी चाबियां तो अब सारी सारी क्या है इसमें? अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। पूरे खजाने को अच्छे से रखना। थैंक यू। बोल तो ऐसे रही जैसे घर में अरबों खरबों रुपए रख रखे। तो अभी यहाँ पे रेस होने वाला है नैतिक और किट्टू के बीच में। देखते हैं कौन ज्यादा तेज दौड़ पाता है। किट्टू तो इतना छोटा है, 2-3 महीने का ही है। पहले ये दौड़ेगी, ये बॉल फेंका जाएगा और साथ में ये दौड़ेगा और साथ में नैतिक। चलो ऑफ कोर्स मैं जीतूंगा। देखते हैं, लो पकड़ो इसको। ह्यूमन्स पावर। बॉल 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 बॉल। अब आप सामने फेंक दीजिए। देख लिया देख लिया। किट्टू 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 फिर नहीं देख रहा। एक बार बस देख लिया अच्छे से। ये देखो गई 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 फेंका। 3, 2, 1 लो नैतिक जीत गया। किट्टू हार गया, नैतिक जीत गया। तो इसी के साथ यहाँ पे नैतिक विनर बन गया, किट्टू बेचारा हार गया। हारा भाई। जोगिंदर का नाम लेकर तुम जीतते हो? नहीं, मैं तो किट्टी का नाम लेकर जीतता हूँ। बॉल को फुटबॉल बना दिया इन लोगों ने। अबे तेरा पतंग फाड़ दूंगा। गया खींच, चलो खींच, छोड़, चल खुश रह, पैर पकड़ा तूने, आशीर्वाद दे दे रहा हूँ। कुंदन भैया आप इसको क्या प्यार से बुलाते हो? किट्टी। किट्टी। किट्टू से मैं इसका जेंडर चेंज कर देता हूँ, ये मेल है लेकिन मैं इसे फीमेल बना देता हूँ। किट्टी चल। किट्टू के साथ अन्याय। किट्टू तुम कुछ अपील करना चाहते हो? नहीं मैं कुछ नहीं बोलती, मेरा मुंह नहीं खुलता। नहीं खुलता। गुस्सा आ गया। वो बोल रहा है कि है, बोल रहा है मेरा भी मुंह है, मेरा भी मुंह खुलता है। हाँ हाँ तेरा मुंह खुलता और है। मैं नहीं खुलता। और मैं जब मुंह खोलता हूँ तो किसी न किसी को हॉस्पिटल भेजता हूँ। तो अभी फिलहाल हम लोग नीचे आ चुके हैं क्योंकि ऊपर पता नहीं क्यों किट्टू बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। तो मैं, नैतिक और किट्टू नीचे आ गए। बाकी माँ काजल ये लोग तो मार्केट गए, पापा माँ काजल तीनों मार्केट गए। मैं, नैतिक, किट्टू और गोलू ही है। गोलू तो पतंग उड़ाने में बिजी है कब से। अच्छा भूख लगी थी क्या इसको, इसलिए आया होगा? उसको खाना खाना था यार, ये देखो भूख लगी है इसीलिए वो ऊपर से तो इतना जल्दी जल्दी बोल रहा था भागने के लिए। गुस्सा। तो अभी फिलहाल पापा घर आ चुके हैं। मैं, गोलू एंड नैतिक हम लोग जा रहे हैं अभी। मैं, गोलू, नैतिक और पापा हम चार जा रहे हैं अभी मार्केट। मार्केट नहीं एक्चुअली जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास क्योंकि गोलू के दांत में ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वही मतलब हम लोग क्यों जा रहे हैं? ये ले जा रहे हैं हम लोगों को, हम खुद थोड़े ना जा रहे। क्यों ले जा रहा है ये बता ना तुम लोग। उसना या ये बोल कि वो दांत निकालेगा, दर्द करेगा तो कोई साथ, हाँ कोई साथ में रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये तो ऐसा लग रहा सर्जन बन गया, कैसा मास्क है पीछे इसका, इतना बड़ा मास्क क्यों है? सर्जन वाला है, सर्जरी करेगा। मेरे पास मास्क नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारे साथ किट्टू भी जा रहा है क्योंकि माँ और काजल तो गए हुए तो किट्टू को लेकर गए नहीं। किट्टू घर पे अकेले थोड़े ना रहता अभी ना एकदम। टर्न राइट। हाँ ये पहले इसको बोल लेने दो। टर्न लेफ्ट। अभी ना मतलब एकदम से हैंड ब्रेक, क्या मतलब नॉर्मल ब्रेक पापा ने एकदम से मारा ना, सामने से गाड़ी आ गई थी तो किट्टू एकदम से सीट से आगे साइड फेंका गया नीचे। अब वो तो मतलब सीट बेल्ट लगा नहीं सकता ना तो एकदम से फेंका गया। फिर वो ऊपर आया और सीधा आने लगा, नहीं नहीं मुझे पकड़ लो मुझे नहीं जाना। तो अभी नैतिक किट्टू को लेकर कार में बैठा है। मैं, गोलू और पापा हम तीनों भी यहाँ पे आए हैं चेकअप करवाने इसके दांत में। क्या हुआ है? दर्द कर रहा है, गड्ढा हो गया है दांत में बेचारे का। फालतू में ही डर रहा है तू। मत डर, इसमें कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होने वाला। काजल को देखिए कितनी इंजेक्शन लग गया है। केवल तुमको है ना एक बार थोड़ा सा स्विच ऑफ देना है। और कुछ नहीं होगा। दांत निकालेंगे तब नहीं निकालेंगे। दांत क्यों निकालेंगे? मतलब दांत साफ करेंगे तब। हाँ, इसीलिए तो उसको शून्य करके निकालेंगे। सो जा हाथ में। नहीं नहीं दांत नहीं निकालेंगे, लेट जाओ दांत में। हाँ अरे कुछ नहीं होगा, दर्द नहीं करेगा। वहीं पे लगाएंगे उनको, दर्द नहीं। अरे तुम लेट जाओ, इतनी देर में लगा देता। अरे नहीं कुछ होगा, तू सो जा, डर मत। हाथ पे भी पड़ा है, दर्द लगा तो क्या करोगी? हाथों पर लगा नहीं लगाएंगे है ना। अरे नहीं होगा, मत डर। चल बिल्कुल नहीं लगाएगा। केवल थोड़ा सा महसूस होगा स्विच ब्रेक, फिर उसके बाद तुम खुद बोलेंगे बिना कारण डर रहे थे, यहाँ चुपेगा बस। हो गया हो गया हो गया, बस बच्चे बस 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 हो गया हो गया। वैसे ही सिर नीचे सिर नीचे सिर नीचे। ओके देखो यहाँ ग्लास में पानी है बच्चे, देखो इधर यहाँ खुला कर, थोड़ा भी दर्द होगा ऐसे हाथ ऊपर करना, रुक जाएंगे। अब
देखो ये मशीन है, इससे पानी आता है, जैसे क्लीन करेगा। क्लीनिंग होगा, डर मत। डर लग रहा है, अभी डर खत्म हो जाएगा। अरे इतना डर क्यों रहा है तू? अगली बार जो रहेगा उसमें सुन नहीं करेंगे। ये भरेंगे कब? एक हफ्ते बाद, आज से ठीक एक हफ्ते बाद, मतलब आज है। और उसके अंदर खाते हुए कुछ चला गया तो उससे कोई परेशानी नहीं। और ये जो लगाया है वो निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, तुमसे नहीं निकलेगा। तुम चाहे कुछ भी करो तुमसे नहीं निकलेगा। टेस्ट कब तक आएगा ये? 3 घंटे आज दिन भर और कल भी लगभग जो है इवनिंग तक। कैसा टेस्ट है? कैसा टेस्ट है बता? बहुत अजीब सा, बहुत ज्यादा कड़वा। क्या होता कैसा कड़वा टाइप में गले में अजीब सा लग रहा है। और कितनी बार आना है? 2 बार 24 को3 बार का पूरा प्रक्रिया है। आज मैंने फर्स्ट स्टेप किया इसको, जो एरिया मुझे फील करना है ना उस एरिया को मैं पूरा शेप दूंगा और थर्ड टाइम में उसको पैक कर देंगे, भर देंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग कार में आ चुके हैं। मतलब फर्स्ट टाइम जब इसके बाद वो इंजेक्शन लगा रहे थे उस टाइम पे इसका रिएक्शन ना क्या बताऊं, ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरा कांप रहा था ये, सीरियसली पूरा कांप रहा था, इतना ज्यादा डर रहा था ना जैसे एक छोटे बच्चे डरते हैं। बट फर्स्ट टाइम था तो ऑब्वियसली डरेगा ही। तो अभी फिलहाल मैं घर आ चुका हूँ, मैं ये 2 कुरकुरे खरीद लिया। अरे मेरे लिए रात में एडिटिंग में काम आता है। एक भी नहीं कुछ भी नहीं खाया? नहीं, नहीं कुछ तो। अरे सच में नहीं खाया, बस टॉफी खरीदा हूँ, वो गोलू ने खरीदा। तेरा अभी दांत खाली किया है, तोतला बन गया इसका, अभी दांत ना पूरा अंदर से खाली कर दिया, खोखला। हाँ, और फिर 3 दिन बाद मतलब उसमें मटेरियल भरेगा और 7 दिन बाद फिर पूरा सही हो जाएगा। अरे कुछ दे दे। क्यों हम लोगों ने बाहर क्या खाया? नैतिक बताओ, पूछ लो। बस टॉफी। क्यों बोल रहा है? अरे उसका इंजेक्शन लगाया बेचारे की हालत खराब है। तो अभी फिलहाल रात के 12 बज चुके हैं, अभी जाकर मैं फ्री हुआ हूँ। तकिया चाहिए? सो भी रहे हो क्या तुम लोग? एक ही तकिया है यहाँ पे, वो देखो। अच्छा, इसका एक तकिया यहाँ पे, दो था ना ओढ़ने के लिए। कहाँ गया तकिया? एक है ना, दो था कल तो। दो था कल, किस पे सोए थे? तकिया था एक, वो वाला सोफा वाला तकिया पे सोए थे कल। तो अभी फिलहाल ये रहा मेरा डिनर, सब लोगों ने इधर पे डिनर कर लिया, माँ पापा तो इधर पे सो भी गए। और इन लोगों का भी आजकल ये प्लेस बना हुआ है बैठने का, किट्टू भले यहाँ बैठे या ना बैठे वो उधर देखो घूमने में बिजी है, लेकिन ये नैतिक तो खास कर इसी के जगह पे बैठ जाता है। नैतिक को कुछ ज्यादा ही अच्छा फील होता है, क्यों नैतिक? मस्त है अभी बड़ा ना तो आराम से बैठ सकते हैं। मैं अभी मेरा डिनर लेकर यहीं पे आ गया, मेरे सेटअप पे यहीं पे मैं खाऊंगा एंड साथ में इधर पे एडिटिंग भी स्टार्ट कर दिया मैंने, ये रहा। तो अभी फिलहाल मॉर्निंग के 11:40 हो रहे हैं एंड अभी जाकर फाइनली मेरा एडिटिंग यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ है। रात को मैंने लगभग थोड़ा बहुत एडिट किया था डिनर करने के बाद, उसके बाद मुझे नींद आ रही थी फिर मैं सोने चला गया। फिर सुबह उठा मैं लगभग 9:30 बज गए थे आई थिंक। ये रूम मतलब पूरा पैक रहता है तो टाइम का पता ही नहीं चलता कितने बज चुके हैं। तो वही 10 बजे लगभग उठा फिर मैं फटाफट से एडिटिंग स्टार्ट किया। एडिटिंग अभी फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। तो चलो फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको मजा आया होगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और भी अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। फोन छीनने के बाद आया पापा ने, फोन आया तो ना तो हो रहा, प्रश्न किया मैंने तो नहीं देखा।